और वाराणसी से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। वाराणसी से ये बड़ी खबर, दीवार तोड़ने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। खबरें लीक करने के आरोप में हटाए गए हैं कोर्ट कमिश्नर। सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन का मिला है समय। तो दीवार तोड़ने वाली याचिका और जिस हौज से पानी निकाला गया वहां से मछलियों को या गंगा में छोड़ने की जो याचिका लगाई गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़े हुए हैं। जी संजीव, देखिए तीनों कोर्ट कमिश्नर ने जिस तरीके से वीडियोग्राफी की थी, सर्वे किया था, उसमें एक अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर थे और उन पर आरोप ये है कायनात कि उनके द्वारा जो निजी वीडियोग्राफर रखा गया था उसने सूचनाएं मीडिया को लीक की थी और यही वजह रही कि कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटा दिया। हालांकि अजय मिश्रा बाद में मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके वीडियोग्राफर ने उनको धोखा दिया है, उनकी जानकारी में नहीं था कि उनका वीडियोग्राफर सूचनाएं और वीडियोज लीक कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने एक याचिका आज स्थानीय अदालत में लगाई है कि जो कूड़े का ढेर है, जो मलबा है, उसको हटाकर अन्य जो सबूत हैं वो इकट्ठा कोर्ट कमिश्नर को करने चाहिए, और कोर्ट कमिश्नर ने परसों इस मामले को लेकर एक अर्जी भी अदालत में दी थी कि उनको 2 से 3 दिन का समय बढ़ा दिया जाए। और इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 2 दिन का समय दिया था क्योंकि इलाका इतना बड़ा है, एरिया इतना बड़ा है कि सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष का तमाम अपने अलग अलग दावे हैं कायनात, मुस्लिम पक्ष के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन मामला अदालत में है और इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अदालत तय करेगी कि आखिरकार यह पहले मंदिर था या नहीं। और साक्ष्यों की बात करें तो जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि बाबा मिल गए, शिवलिंग मिले हैं 8 फीट ऊंचे। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो साफ तौर पर पहले कह चुका है ये फव्वारा है। तो तमाम बातें हैं अभी और अदालत का फैसला आना बाकी है। आज देखिए कि इन दोनों मामलों को लेकर जब सुनवाई होगी तो फैसला। संजीव, ये भी जानना चाहेंगे कि सुनवाई जो है इन दो याचिकाओं पर कोर्ट में कब शुरू होगी? देखो देखिए ये सुनवाई लगभग 11 बजे शुरू होगी। दोनों पक्ष के वकील अदालत में पहुंचेंगे और अपने अपने जो दावे हैं, अपनी अपनी जो चीजें हैं वो अदालत के सामने रखने का काम करेंगे। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कायनात की अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने मीडिया के सामने ये साफ तौर पर कहा है कि जो उनका वीडियोग्राफर था उसने जो सूचनाएं लीक की हैं उनकी जानकारी में नहीं थी, उनको धोखा दिया गया है। यानी साफ तौर पर वो उन पर जो आरोप लगे हैं वो उससे मुकरते नजर आते हैं। और सारा संजीव यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इस बात से तो इनकार किया कि ये उनकी जानकारी से बाहर थी चीजें जो भी जानकारी लीक की गई। साथ ही उन्होंने अपने जो साथी कमिश्नर हैं कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह, उन पर भी ये आरोप जरूर लगाया कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले में जो है उनके साथ राजनीति जरूर की है और उनके साथ जब तक थे तब तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है ये शिकायत आगे बढ़ा दी। बिल्कुल देखिए तीनों कोर्ट कमिश्नर का जो मतभेद था वो उस समय खुलकर सामने आया जब अजय मिश्रा ने अजय प्रताप सिंह पर आरोप लगाए। लेकिन ये बातें आज कोर्ट बिल्कुल साफ कर देगा कि आखिरकार जो अजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाए हैं, जो जिस तरीके से अजय मिश्रा को हटाया गया है, उन आरोपों में कितना दम है ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं संजीव ये मान सकते हैं कि ये जो कोर्ट कमिश्नर्स के बीच में ये जो मतभेद हुआ है, ये जो सामने पूरा मामला निकल के आया है, क्या इसका असर जो है जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर भी पड़ेगा, उसको लेकर के भी सवाल उठेंगे फिर? देखिए सर्वे रिपोर्ट पर इसका असर पड़ना मुश्किल नजर आता है क्योंकि कायनात आप समझिए जो वीडियोग्राफी हुई है, जो चिप में लोड की गई है, वो तो ऑलरेडी लोडेड हो चुकी है। आरोप सिर्फ इतना है कि जो सूचनाएं अंदर की थी, जो वीडियोग्राफी की गई कोर्ट कमिश्नर के वीडियोग्राफर्स द्वारा, वो बाहर मीडिया को लीक की गई। जब वीडियोग्राफी अंदर हो रही थी तब मीडिया शिवलिंग की फोटो चला रही थी, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि सूचनाएं और वीडियोज लीक की गई हैं। हालांकि इसका जांच पर असर पड़े ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता, लेकिन जब मतभेद सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जो नाराजगी है वो सामने आती है और उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा खराब होता है कायनात। चलिए बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। एक दिन पहले ही कोर्ट ने ये आदेश दिया था, सिर्फ अजय कुमार को ही हटाने का निर्णय कोर्ट ने दिया था। अब रिपोर्ट दाखिल करने का काम अजय प्रताप और विशाल सिंह करेंगे। और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की
तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पक्षपात कर रहे हैं। पहले भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग हुई थी, उन्हें हटाने की मांग की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब वाराणसी कोर्ट ने उनके खिलाफ ये फैसला दिया है। आरोप लगा है कि उन्होंने जानकारियां जो हैं वो लीक करवाई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत 9 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। वहीं वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। चलिए यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।